जैसा आप सब लोग परिचित हैं, बुंदेलखंड इस वक्त एक अभूतपूर्व प्राकृतिक और मानव निर्मित संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड, जब मैं बुंदेलखंड कहता हूँ तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों तरफ का बुंदेलखंड शामिल है। यहाँ बुंदेलखंड में लगातार तीसरे साल, कहीं कहीं चौथे साल सूखे की स्थिति बनी है और अब लगातार चौथी फसल है जो पूर्णतः चौपट हो गई। इस अभूतपूर्व स्थिति से एक ऐसी आपदा निर्मित हो रही है जिसके कई आयाम, पहला पानी का संकट, सिंचाई के पानी का संकट तो जग जाहिर है, लेकिन अब मामला जानवरों और इंसान के पीने के पानी पे आ गया। जिन जिन जिलों में हमारे साथी गए, हम सब लोग गए, यहां मैं जिक्र कर दूं कि हमारे जितने साथी यहां हैं, कुछ साथी पीछे खड़े हैं, पिछले चार दिनों में हम सब बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों तरफ के हर जिले में हमारी कोई ना कोई टीम गई एक त्वरित मूल्यांकन करने के लिए कि क्या स्थिति है। और हमारी समझ से पानी का संकट अब एक आपदा में बदल रहा है। जगह जगह पे कम से कम जानवरों के पीने के पानी की तो कोई जगह नहीं बची है, कुएं बावड़ियां सूख रही हैं, हैंडपंप फेल होने लग रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पे पेयजल का, पेयजल की उपलब्धि लगभग समाप्त हो गई है, शायद टैंकर की जरूरत पड़े, लेकिन बाकी जगह आज ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप कल्पना करें कि 1 अप्रैल को स्थिति क्या हो, आज से 2.5 महीना बाद जब गर्मी प्रॉपर शुरू हो जाएगी, उस वक्त क्या स्थिति, तो हम समझ सकते हैं कि हम पानी के एक भयंकर संकट की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ है जानवरों और इंसान के खाने का संकट। इंसान के लिए अभी अकाल नहीं आया, जो सूखा है अभी पूरी तरह अकाल में नहीं बनता, लेकिन जानवर के लिए अकाल की स्थिति आ गई। यहां पे मामला खतरे की रेखा से ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग जानवरों को छोड़ रहे हैं, जानवरों के पास खाने को कुछ नहीं है, जो बची कुची थोड़ी बहुत फसल होती है उसे खराब कर रहे हैं लोग, रातों रात जिन थोड़े से लोगों ने अपनी फसलें लगाई हैं, रात वो खेत के बीच में बिता रहे हैं जानवरों से बचने के लिए, जानवर के पास खाने को नहीं है, जानवर उग्र और हिंसक हो रहे हैं, किसान के पास चारा नहीं बचा है, चारा और भूसा खत्म हो गया है, और यहाँ पे सचमुच एक भयंकर आपदा आ चुकी है, आने वाली नहीं आ चुकी है। देश में गौ हत्या इत्यादि को लेके बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, लेकिन अगर आप बुंदेलखंड की सड़कों पे देखो, गांव की सड़कों पे, शहर की सड़कों पे, चारों तरफ लाखों पशु छोड़ दिए गए, मरने के लिए छोड़ दिए गए, बहुत भयंकर आपदा हमारी आंख के सामने। इंसानों के खाने में जैसा हम सब जानते हैं कि संपूर्ण आहार से भुखमरी की स्थिति के बीच में कई सीढ़ियां होती हैं और उसमें 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर चुकी, पौष्टिक आहार गायब होता जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो सर्वेक्षण पिछले महीने किया उसमें पता लगा था कि 39% ग्रामीण घरों में पिछले 30 दिनों से एक भी दिन दाल नहीं बनी, 60% ग्रामीण घरों में बच्चों को दूध नहीं पिलाया जा रहा। यह आपदा और गहरी हुई है पिछले कई दिनों में। हमारे साथियों ने जब घरों घरों में जाकर पूछा कि दाल पिछली बार कब बनी,
तो बहुत बार औरतें हंस रही थी हमारे इस सवाल, बाबू जी पता नहीं दाल कितने की मिलती। तो एक तरफ तो जो स्थानीय दाल की उपलब्धता थी वो खत्म हो गई क्योंकि फसल खराब हो गई, दूसरी तरफ बाजार में दाम बढ़ गए, लोगों को असंभव। तो पौष्टिक तत्वों की कमी, पौष्टिक खाना बहुत तेजी से गिरा है। कहीं कहीं जो सामान्य खाने के सस्ते विकल्प होते हैं उनकी खबरें भी कहीं कहीं आ रही हैं, अपवाद स्वरूप आ रही हैं। जैसे कहीं गांव में हमें बताया कि लोग बहेड़े के बीज निकाल के अब खा रहे थे, उस तरह का है। कुछ जगहों से पिकार की खबर आई थी, हमने अपने सर्वे में उसका भी जिक्र किया था। ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन धीरे धीरे लोग सामान्य खाने से निचले स्तर पे आते जा रहे हैं, पौष्टिक खाना तो खत्म हो गया। और यहाँ चूंकि ये फसल भी बर्बाद हो गई, खासतौर पे महोबा और हमीरपुर इन सब इलाकों में, तो चारों तरफ आप सड़क के देख लीजिए, दोनों तरफ मीलों मील तक आपको एक भी हरा खेत दिखाई देते हैं। खेतों की स्थिति वो हो गई है जैसी अप्रैल के महीने में दिखाई देती है, जब फसल कट चुकी होती है उसके बाद जैसे खेत दिखाई देते हैं, आज उस तरह के खेत दिखाई दे रहे हैं पूरे इलाके। और चूंकि ये स्थिति फसलों की है तो समझिए अगली बार अनाज और दाना लोगों के घर में अब अक्टूबर के महीने में आएगा। तो अनाज का संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर इसे समय रहते न किया गया तो भुखमरी जैसी नौबत आ सकती है। यहाँ याद रखें कि सूखा एक ऐसा संकट है जो अक्सर अदृश्य रहता है, सूखे की फुटेज नहीं मिलती, सूखा एक झटके में नहीं आता, धीरे धीरे आता है और सबसे गरीब व्यक्ति को चुपचाप से पकड़ता है। इसलिए हमारे गांव में भी हो रहा हो पता नहीं, तो इसलिए हमें सावधान सजग रहने की जरूरत है। यहाँ एक भुखमरी जैसी स्थिति बन सकती है आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि कम से कम 8-9 महीने हमने अगला आता है। ऐसी स्थिति में स्वराज अभियान की तरफ से हमने शुरुआत से ही इस पे एक निगरानी रखने का काम किया है। पहले हमने संवेदना यात्रा निकाली थी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, उसके बाद पिछले महीने उत्तराखंड में आके सर्वेक्षण किया था, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलाया, उनसे मुलाकात भी की थी, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी हमने लगाई है, केस हमने लगाया है जो 18 तारीख को दोबारा आ रहा है सबके सामने, जिसमें हमने 12 राज्यों को ने सूखा राहत का क्या काम किया उसके बारे में जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त भाषा में सब राज्यों से अगले 5 दिन में जवाब देने को कहा है। 18 तारीख को वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर को कुछ महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की, जैसा मैंने बताया कि हम मुख्यमंत्री से मिले थे, पूरे उत्तर प्रदेश के सूखे के बारे में उन्हें बताया था, लेकिन उनसे बुंदेलखंड के बारे में विशेष आग्रह किया कि यहाँ समय रहते कुछ बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता। उसकी घोषणा में देर हुई लेकिन कम से कम घोषणा हुई है 24 दिसंबर को। पिछले 4-5 दिन में हम इसका मूल्यांकन कर रहे थे कि वो घोषणाएं कहाँ तक लोगों तक पहुँच पाई। हमारी समझ से, और ये बिल्कुल पहला इंप्रेशन है, हमारी समझ से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3-4 बड़ी घोषणाएं की, पहला ये कि बिजली की आपूर्ति इस इलाके में बढ़ाई जाएगी। गांव से पूछने पर लगता है कि बिजली की आपूर्ति में कुछ वृद्धि हुई, हालांकि किसान कह रहे हैं कि इसका हम क्या करें। दूसरा, सरकार ने घोषणा की थी कि नरेगा को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। 2 जिलों से हमें उसके बारे में सकारात्मक रपट मिली, बाकी जिलों से रपट नहीं मिल रही। केवल महोबा और हमीरपुर से खबर मिली है कि वहां नरेगा के तहत बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है,
महोबा में खुद हम जाके अपनी आंख से देख के आए हैं, वहाँ कई गाँव में सचमुच काम शुरू हो गया। राज्य सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इसके लिए। लेकिन बाकी जिलों से, उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों से ऐसी रिपोर्ट नहीं है। मध्य झांसी में झांसी बिल्कुल है, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई रिपोर्ट नहीं है, और उत्तर प्रदेश के उधर चित्रकूट बांदा और जालौन उधर से भी ऐसी रिपोर्ट हमें नहीं आ रही। राज्य सरकार ने तीसरी घोषणा की थी कि वो जो हमारी सिफारिश थी, हमने कहा था ये गांव में एपीएल बीपीएल का चक्कर समाप्त कर दीजिए, सभी लोगों को जो नया कानून है खाद्य सुरक्षा कानून उसके तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह देना शुरू करें, दाल भी दें, ये सब हमने सिफारिश की। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम को तुरंत प्रभाव से लागू कर रहे हैं बुंदेलखंड में 1 जनवरी से। अभी तक जमीन पे वो चीज़ नहीं पहुंच पाई है, शायद बहुत जल्दी ऐसी अपेक्षा करना, लेकिन हमने कुछ अधिकारियों को ऐसा कहते सुना कि इसके बारे में तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लोगों को 5 किलो पहुंचाने वाली जो बात 1 जनवरी से लागू हो गया है, जिस सरकार ने कहा कि वो लागू कर रहा है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। दरअसल उसका प्रोविजन ये है कि वो लगभग 80% लोग उसमें एलिजिबल हो, लेकिन जमीन पे लोगों को अभी मिलना या ऐसी सूचियां तैयार करना जिसके आधार पे वो कल काम अभी नहीं। राशन की दुकान पे 26 जिलों में एक साथ झांसी लागू हो गया है, बढ़ रहा है 5% सभी के लिए नहीं, तो वो चिन्हित लोगों को तो मिलेगा। सर मैं हमारी टीमें सभी जिलों में गई हैं, अधिकारियों से बात की है, मैं अभी वहाँ के महोबा के डीएम से बात करके आ रहा हूँ, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, मैं आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूँ, मतलब मैं ऑफिशियल नहीं हूँ, लेकिन जान के और केवल एक कैजुअल इंप्रेशन के आधार पर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक गाँव में वो राशन नहीं पहुँचा। अंतिम इसका प्रमाण ये है, कागज जरूर चल रहे हैं लखनऊ से, कागज पहुंचे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, और वो महत्वपूर्ण पहली कड़ी है, शायद हो सकता है अभी से अपेक्षा करना बहुत जल्दबाजी, लेकिन अभी तक राशन लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा। जो चौथी घोषणा सरकार ने की है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी, वो उस व्यवस्था के बारे में फिर प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चारा गांव में नहीं पहुंचा, और ये बिल्कुल एक आपात स्थिति है। मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया इसको हाईलाइट कीजिएगा पशुओं के लिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं कर सकते, पशुओं के लिए इस वक्त स्थिति बिल्कुल खतरे के बिंदु से ऊपर पहुंच चुकी है, और एक एक दिन जो बीता जा रहा है उसमें नुकसान हो रहा है, कई इलाकों से पशुओं के मरने की खबर आ रही है, और प्रशासन ने कहा है कि वो इंतजाम कर रहे हैं, पानी पिलाने का इंतजाम भी कर रहे हैं, चारे भूसे के लिए भी वो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई है, और इसमें एक एक दिन का नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी सूखे के मुआवजे की शुरुआत तो नहीं हुई है, मध्य प्रदेश में सूखे के मुआवजे की भुगतान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तो पुराना जो ओलावृष्टि का जो था उसका भुगतान चल रहा है, उसका भुगतान अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वही चल रहा है, और कर्जे की जो स्थिति रही, लोगों के कर्जे की माफी, और उन्हें बीमा जो जबरदस्ती बीमा करवा, अनिवार्य बीमा स्कीम जो चल रही है उसके तहत लोगों को बीमा में जो उनका नुकसान हुआ उसका भुगतान, इन दोनों की तरफ अभी कोई कदम उठाए नहीं गए। तो आप सबके माध्यम से, हम राज्य सरकार से और समाज से, ये केवल सरकार का काम नहीं है, इतनी बड़ी आपदा में पूरे समाज को लगना होगा। दिक्कत यही है कि बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो हम सबको आंख से दिख जाती है, भूकंप एक ऐसी आपदा है जो हम सब हिल जाते हैं, लेकिन सूखा चुपचाप आता है, दबे पांव आता है, हमारे पड़ोसी को पकड़ लेता है, हमें पता नहीं होता, इसलिए पूरे समाज को सजग होने की जरूरत है। आप सबके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार ने जो बुंदेलखंड के लिए घोषणाएं की हैं, जो अच्छी घोषणाएं देर से हुई हैं लेकिन अच्छी घोषणाएं, उन घोषणाओं को खासतौर पर
जो राशन की दुकान के बारे में घोषणाएं, लोगों को राशन देने की घोषणा और जानवरों के चारे के बारे में घोषणा, इन दोनों घोषणाओं को शीघ्रातिशीघ्र जमीन पे लागू करवाया जाए। और समाज से अपील, ऐसे में समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लोग प्राणी मात्र को प्रेम करना हमारी संस्कृति का अंग रहा है और गाय को लेके तो हमारे यहाँ बहुत आस्था रही है। उन सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, चाहे वो बुंदेलखंड में हैं बाहर हैं, सबसे आग्रह करूंगा, ये वक्त है उन प्राणियों की सेवा के लिए आने का, उन तक कुछ पहुंचाने का। एक ट्रक चारा भी यहाँ भिजवाना बहुत बड़ी सेवा होगी। स्वराज अभियान की तरफ से हमने तय किया है कि जब तक बुंदेलखंड में सूखे जैसी स्थिति बनी रहे, हो सकता है 5 महीने हो 9 महीने हो, कौन जाने इससे लंबा चले, तब तक स्वराज अभियान की तरफ से हम इस पे एक सजगता बनाए रखेंगे, इसकी निगरानी सतत रूप से करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल ही रहा है, 18 तारीख को आने वाला है। इसके अलावा बुंदेलखंड स्तर पे और जिला स्तर पे हम इसकी निगरानी समितियां बनाएंगे, जो कि एक विशेष अंतराल के बाद हर महीने संभव हो तो रिपोर्ट पेश करेंगे। एक स्वतंत्र निष्पक्ष रिपोर्ट जैसी मैं उम्मीद करता हूं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि क्या चीज हो गई, क्या चीज होनी बाकी है, कैसी स्थिति है, उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और सरकार और समाज को इसके बारे में आगाह करते रहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में जो हो रहा है ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और हर व्यक्ति को इस मौके पर खड़ा होके, क्योंकि ऐसे ही मौके पर पता लगता है कि समाज में कैसी संवेदनशीलता बाकी है, उसके लिए हम अपील करना चाहते हैं।